गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो भाई मैं भी बढ़िया। भाई उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, अभी निकलना है। और कमरे का हाल बुरा हाल हो रखा है। तो भाई अभी टाइम हो रखा है 10:30 का, बस अभी और 5-7 मिनट में निकल रहे हैं। तो आज एग्ज़ाम है, देखते हैं कैसा होता है इसका, कैसा नहीं। बाकी ये आगे ही बताएगा। वही बात है ना स्कूल वाली की, एग्जाम तो बढ़िया ही होता है, बाकी टीचर ही नंबर ना देते। तो गाइज कमरे की हालत देख लो, ऐसी हो रखी है। इधर तौलिया बिखरा पड़ा है, ये इधर पूरा कचरा, ये देखो भाई बड़ा बुरा हाल हो रखा है। तो भाई अभी निकलते हैं, बैग वैग पैक कर लिया, चलो यहाँ पे डाल दे यार। ये ब्लूटूथ है, इसमें मत डाल, कुछ ना अच्छा। गाइज अभी चाबी देखी और निकलने हैं। पहले नाश्ता पानी करेंगे अपना, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद भाई जहाँ सेंटर है, सेंटर की दूरी बस यही कोई 3 किलोमीटर है, तो घूमते फिरते निकल जाएंगे, ज़्यादा दूर ना है। तो भाई चलते हैं चाबी देके। तो भाई निकल लिए होटल से, तो ये है होटल आरके ग्रैंड। अगर कोई कभी इस साइड आए तो भाई चेक कर लो, बढ़िया होटल है, फैसिलिटी सही है, कमरे वगैरह सब बढ़िया है, ज़्यादा रेंट भी नहीं है भाई। तो निकल लिए अभी, अभी पहले चल के नाश्ता पानी करते हैं, कुछ अपना खाते पीते हैं, और फिर अपना घूमते फिरते भाई निकल लिए, निकल लेंगे उधर की तरफ जहाँ से। भाई ये लखनऊ, कुछ खाने पीने जा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं एग्ज़ाम देने। ये सुबह का भाई, सुबह का नज़ारा। तो भाई अभी इधर खाने जा रहे हैं यार, भूख लगी है बहुत जोर से, इधर हल्का फुल्का खा लेंगे। अभी दिखने में भाई सही है, ये थोड़ा बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ हो रहा है भाई। इधर ऑर्डर वगैरह भाई ने शायद दे दिया, तो चलते हैं खा पी के अपना। भाई ज़्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, ये इधर यही रखा है, इनमें से ही लेना पड़ेगा। तो भाई हमने लिया है पनीर पफ 2 और कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, बाकी और देखते हैं। सैंडविच वगैरह पूछेंगे अगर सैंडविच हुआ तो, वरना मना कर रहा था भाई कि बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी पफ्स हैं, डोनट है और वफल्स हैं, बस यही मिलेंगे 2-4 आइटम। तो अभी सुबह सुबह के टाइम है तो भाई मिलेगा ही नहीं अभी इस टाइम कुछ। ऐसे पार्टी वार्टी के लिए बढ़िया जगह है, ओ काफ़ी बड़ा स्पेस है। गाइज अपने पनीर पफ्स आ गए, एक कोल्ड ड्रिंक है भाई, अभी वो डाल लेना कोल्ड ड्रिंक भाई, खा के देखते हैं ये पनीर पफ्स कैसे होते हैं। ये आलू पेटीज की तरह ही होते हैं या फिर थोड़ा अलग टेस्ट है, दिखने में तो वैसे ही है। खा के देखते हैं भाई, खा के बताते हैं आपको इसके बारे में कैसे हैं कैसे नहीं थे। गाइस खाना पीना हो गया भाई अपना, सही था। अभी ये कि थोड़ा पेट सा भर गया, हाँ ये कि निकाल सकते हैं टाइम अपना 4, 4:30, 5 बजे तक, बाकी ये एग्ज़ाम दे के आ जाएगा, उसके बाद अपना खाएंगे पियेंगे और फिर भाई अपना दिल्ली के लिए भी निकल जाएंगे। सही था खाना पीना अपना यहाँ इधर। गाइस अभी रास्ते में है यार मंदिर, बढ़िया है, मंदिर देखने लायक है, थोड़ी सजावट वगैरह भी कर रखी है ऐसा। भाई थोड़ा और पीछे से दिखा देता हूँ, बस पेपर देने जा रहे हैं तो हाथ हाथ जोड़ ले बोला मैंने, भाई हाथ हाथ जोड़ लिए, ये मंदिर है भाई, अब चलते हैं आगे। अच्छे से जोड़ लियो हाथ पापी आदमी। गाइस ये चीज़ भी ज़रूरी है भाई हाथ जोड़ने, तो पेपर हो ना हो वो बात तो अलग है यार, तो थोड़ा शांति मिल जाती है कि भाई हाथ हाथ जोड़ के आए हैं और पेपर अच्छा निकले, अच्छा हो जाए, तो इसलिए भाई अभी रह गया थोड़ा सा और, यही कोई 500 मीटर।
गाइज अभी यहाँ आके बैठे हैं भाई, अभी 1-1.5 घंटा है। तो अभी भाई इधर बैठ के अपना ये थोड़ा छोटा सा पार्क है मेन रोड पे ही है, इधर कुआ नहीं है वो कर रखिया बैठने लायक बना रखा है, इधर थोड़ा पेड़ पौधे लगा रखे हैं भाई, इधर थोड़ा सही सी जगह, ये इस साइड में मेन रोड है तो यहाँ से यही 10-15 मिनट लगनी है, इसलिए भाई सोचा कि इतनी जल्दी जाके करेंगे क्या, इधर ही बैठ जाते हैं। तो इधर बैठ के अपना इधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ है नहीं यहाँ देखने लायक। वैसे इंस्टीट्यूट है पीछे था, पार्क टाइप था कुछ, इंस्टीट्यूट था, सेंटर था, पार्क था, क्या था, लेकिन उधर पूछा तो भाई मना कर दिया कि नहीं जा सकते। तो गाइस भाई पहुंच गए हैं इधर, ये देखो भाई ये इधर खड़े हैं बंदे, ये इधर सामने सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, और ये इधर खड़े हैं कुछ, और कुछ इधर है भाई, अभी टाइम नहीं हुआ है, 2:45 तक की एंट्री है। भाई मैं तो निकल जाऊंगा भाई की एंट्री होने के बाद यहाँ से, फिर देखता हूँ बैठता हूँ कुछ खा पी के आऊँगा। इधर उधर पार्किंग वगैरह अंदर ही, इधर छोटा सा पार्क है, ये इधर ये गेट है भाई, अंदर एंट्री वगैरह कुछ नहीं होगा शायद, एंट्री नहीं होगी तो मैं उधर जा नहीं पाऊँगा, मैं कहीं और ही जाके देखता हूँ बैठूँगा इधर। तो गाइस भाई चला गया अंदर, और भाई मैं जा रहा हूँ अभी खाने पीने, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो अभी है टाइम है मतलब 4:30 निकलेगा, तो 2 घंटे ना खा पी के फिर जहाँ पहले बैठा था वहीं बैठूँगा, वेट करूँगा, वही है कि टाइम पास हो ही जाएगा तब तक तो, और फिर आ जाएगा, फिर निकलते हैं, देखते हैं भाई ट्रेन में जाएंगे या फिर अपना बस पकड़ेंगे, देखते हैं बस या ट्रेन कुछ भी हो। गाइस रेस्टोरेंट आ गए भाई अभी खाने पीने, तो भाई पाव भाजी करवाई है और पनीर चाउमीन करवाई है, कोल्ड ड्रिंक साथ में, तो भाई एक बार अभी बन रहा है पहले खा भी लेता हूँ। और यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लंबा है ना थोड़ा 1.5 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के आया, तो उस वजह से भी लग रही है, और गर्मी तो है ही है, फिर इतनी ठंड कहाँ हो रही है आजकल, वही खा पी लेता हूँ फिर अभी खा पी के फिर निकलेंगे यहाँ से, बैटरी भी कम है यहाँ, चार्जिंग लगाऊंगा फ़ोन को, फिर तब तक शायद भाई का भी हो ही जाएगा, भाई का भी यहीं से ही पैक करवा के लेके जाऊंगा, फिर उसको दे दूंगा, क्योंकि आना जाना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, फिर टाइम भी नहीं है, फिर हम बस भी लेनी है फिर यहाँ से, तो खा पी लेता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। गाइस खाना पीना हो गया भाई अपना और टाइम भी हो गया भाई, अभी चलते हैं उधर जहाँ सेंटर के पास में, और अभी टाइम लगेगा 15-20 मिनट जाने में लगेंगे, और उसके बाद फिर भाई भाई का कुछ लिया नहीं है मैंने अभी, भाई अपने आप ही खा लेगा जो खाना होगा, और फिर निकलते हैं भाई अपना उधर के लिए दिल्ली के लिए। भाई छुट्टी अब हुई है, 10 मिनट लेट हो रहा है भाई, ये जो जिनके साथ आ रखे हैं ना भाई आ रखा, कोई दोस्त आ रखा है तो वो खड़े बाहर, अभी देखो ये छुट्टी हो गई भाई, अभी भाई को आने दे फिर निकलते भाई बस के लिए, बस अड्डे पे जाना पड़ेगा उधर से बस लेंगे। गाइस भाई भी आ गया एग्ज़ाम देके और हम निकल लिए हैं भाई, एग्ज़ाम की थोड़ी मैं पूछ नहीं रहा कैसा हुआ कैसा नहीं, ठीक है वो तो पता ही है भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे के आया है तो कैसा ही होना है कुछ कह नहीं सकते, जो पैसे चलेगा जिसका उसी का ही लग चलेगा उसी की जॉब लगेगी, तो भाई ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा तो वो बाकी रिजल्ट ही बता देगा क्या है क्या नहीं है। गाइस पहुंच गए भाई आलमबाग बस स्टैंड पे, और भाई ये थोड़ा दिखने में बहुत सही लग रहा है, अभी ये देखो बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ, देखो भाई ये आलमगढ़ बस स्टैंड ये बहुत सही बना रखा है, मतलब पीछे तक है, इधर शायद काउंटर वगैरह होंगे इधर पीछे तक है भाई, मतलब दिल्ली का जो बस स्टैंड है ये आनंद विहार उससे काफ़ी बढ़िया है। देखो भाई बस मिल गई है भाई, और सबसे लास्ट वाली सीट मिली है भाई, बैठ गए अपना बैग वैग रखे, और अभी थोड़ी देर में चलेगी यही कोई 10-15 मिनट में, तो भाई सुबह के 5-6 बजे के आसपास पहुंचा देगी, बीच में रुकेगी
बढ़िया बना रखा है ये वाला जो है बस स्टैंड, देखो बिल्कुल साफ सफाई, मतलब कचरा बहुत कम देखने को मिल रहा, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान है। और ये अपना क्या बोलते हैं अभी आनंद विहार वाला जो है ना, ये उससे काफ़ी सही है, बहुत सही है, बहुत। की बार भाई नॉर्मल वाली बस ली है, यही कोई 800 रुपए की टिकट है इसमें, वो अभी जाते वक्त बहुत ज़्यादा बोल रहा था इसलिए वो कैंसिल कर दी। बोल वो आते वक्त सही था, सही मिल गई थी आते वक्त, तो भाई अभी जाते वक्त नहीं लिया हमने। तो ये भी सही है, अपना कंबल वगैरह लेके आए थे तो कंबल ओढ़ लेंगे अगर ज़्यादा ठंड लगी तो। भाई चलेगी तब देखते हैं, भाई अभी कुछ सामान के लिए भेजा है, कुछ खाने पीने के लिए लेके आएगा, बाकी बीच में कहीं रुकेगी भाई 11 बजे के आसपास रुकेगी, तो तब देखेंगे उधर कुछ खा पी लेंगे फिर बाद में अपना। ये आलमगढ़ का मेट्रो स्टेशन, ये बस स्टैंड और इसके साइड में है, इस साइड है, साइड से रास्ता है और ट्रेन का दो चीज़ इकट्ठी है भाई। आलमगढ़ बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भाई अभी निकल लिए हैं, तो भाई निकल गए यहाँ से और 5 मिनट में भाई से निकल गए हैं भाई। अभी 6 का टाइम हो गया, तो भाई टाइम इतना ही हो गया, हाँ इतना ही हो गया भाई 6:15 का, तो सुबह पहुँचेंगे भाई 4:30 बजे, तो मिलते हैं भाई अभी आपको कहीं बीच में रुकेगी तब खाना खाते हुए टाइम। गाइज अभी रुकिए यार बस, तो भाई कॉफ़ी ली है अभी ये रही, तो भाई बस खाना पीना अपना पीछे कर लिया था, पैक करवा लिया था, तो भाई अभी कॉफ़ी पी के आगरा के आसपास रुकिए, 2 बज गए, तो यही कोई अभी सुबह के 5 बजे के आसपास पहुँचेगी, अभी कॉफ़ी पियेंगे यहाँ फिर डायरेक्ट दिल्ली आनंद विहार रुकेगी, तो डायरेक्ट दिल्ली मिलते हैं फिर। गाइस पहुंच गए हैं भाई दिल्ली ISBT आनंद विहार, तो भाई इसका सुबह सुबह चाय चल रही है, मैं तो बहुत ही कम पीता हूँ भाई, पता ना ये कितने पीता है। तो भाई अभी यहाँ अपना बस ढूंढेंगे घर के लिए और फिर घर निकलते हैं, तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।